बस लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए बस अब। अब जिस आशीर्वाद जो लेने आए हो, हिम्मत नहीं हुई बताने का सर। मैं नर्वस हो गया एक्चुअली। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सीरियसली मैं नर्वस हो गया, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। बहुत बढ़िया। वैसे ही सोचो, दिलीप कुमार संजीव कुमार का दिमाग में रखो। अब जी बॉम्बे आए हो तो बॉलीवुड में हमारे एक लौते जानने वाले और डेफिनेटली अप्रिशिएट तो करते ही रहते हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं एंड वी आर गोना मीट मिस्टर गजराज राव। आई थिंक इट्स माय फर्स्ट टाइम एवर मीटिंग एन एक्टर। एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम मीटिंग एन एक्टर आल्सो, बट वी कैन नॉट गो एम्प्टी हैंडेड ना, तो भैया कुछ तो लेके जाएंगे उनके लिए। सो वी क्विकली गोइंग शॉपिंग टू पिक समथिंग अप फॉर हिम एंड देन आई विल गो एंड प्रोबब्ली गेट एन एक्टिंग क्लास फ्रॉम हिम। कि भाई उनसे सीखना, इतने बड़े एक्टर हैं कि भैया हमें कुछ बताएं। एंड आई वॉच विद पॉपकॉर्न। ओके, वन मिनट कल सुबह शीश आया था तो उसने बताया जी यहाँ पे फिनिक्स करके एक बहुत बड़ा मॉल है, सेंट रेजेस होटल भी उसी के अंदर है। हमें कई सारी सजेशन आई दोस्तों से कि ये ले जाओ, तो इसीलिए हम देखने जाने के शॉर्ट नोटिस में क्या मिलता है। मॉल अपेरेंटली अच्छा है, कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। पहली ऑप्शन में तो जी प्रीमियम डेट्स नजर आ रहे हैं। क्या सुंदर मॉल है जी, ब्यूटीफुल मॉल नो। हम फाइनली सेटल हुए जी, आदिम करके ये स्टोर है, यहाँ नाम लिखा हुआ है एंड आई थिंक ये नॉन प्रॉफिट भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हैंड वूवन जो कलाकार होते हैं ना, उनके काम को थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं ज़्यादा मेरा ख्याल है। और ये यहाँ पे मशीन भी बनी हुई है, और जब मैंने कश्मीर सीरीज़ की वीडियो बनाई थी तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था जो हैंडमेड स्टफ़ होता है, प्लस वो कुर्ते पजामे में उन्होंने गेटअप बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए हमने उनके लिए कुछ हैंड वूवन स्टोल और एक जो है ना पैक बना दिया है। अरे वाह, तो बहुत ही बढ़िया स्टोर मिल गया है यार। डॉल, दिस इज ऑल योर काइंड ऑफ स्टफ, ऑल ऑर्गेनिक, तो इसलिए मैडम को तो लेना एवोकाडोस, इनका पहला प्यार। दिस इज माय काइंड ऑफ गिफ्ट। या बड़ा, हम गिफ्ट बॉक्स देखने जा रहे हैं, किसी ने हमें बताया कि बहुत अच्छा यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं। चलो जी, मैडम हैज सेटल्ड फॉर वन। आई थिंक इट्स द नाइसेस्ट वन, इट हैज यूनिक आइटम। ओके, एंड इन स्टोर्स में ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत मतलब जिन पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होते, तो इसलिए थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, बट प्रीमियम है, इम्पोर्टेड माल है तो इसीलिए। बट क्योंकि मैडम के टेस्ट का और इनकी लाइकिंग का सामान और इनको फेमिलियर बेरीज डॉल ये मिलती नहीं है ना आराम से, कैनेडा में सैलड में डाल के खाती है तो। हाउ मच इज रास्पबेरी इन कैनेडा? Oh, it's getting expensive. Around $5? Yeah, $4-$5. This is $15. Yeah? Yeah. Do you join the price? $15. Oh, theory. 15 Canadian. बहुत ही बड़ा और बहुत ही जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त मॉल है, मगर क्योंकि यहाँ पे पहले मिल्स हुआ करती तो उन्होंने मिल का ही टावर अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये मैं कल सुबह शीश बता रहा था, ये फिनिक्स मिल होगी। फाइनली गिफ्ट विफ्ट लेके होटल आ गए हैं और बाहर बारिश भी बहुत हो रही थी, हमने सोचा अंदर आना है, उसकी मेन वजह पे बाद में आते हैं। मगर मेन चीज़ ये कि मुंबई आए हैं इसलिए क्योंकि मैडम की फ़्लाइट जो कनाडा की है वो यहाँ से है, क्योंकि इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, 60 डेज़ की वैलिडिटी थी उसकी, विच इज़ एक्सपायरिंग नाउ, सो शी हैज़ टू गो बैक टू कैनेडा, बट कुछ हो नहीं सकता। मगर हमने ये भी रियलाइज़ किया कि ऑन दिस ट्रिप वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इवन वाइल ट्रैवलिंग विद स्टाफ और विद फैमिली, तो हम दोनों को आपस में कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका कम ही मिला। तो आखिरी के जो एक दो दिन थे हम यहाँ पे आ गए तो हमने सोचा कि आराम से बैठ के ना पूरा दिन जो है बस हमने टीवी मूवीज और आराम से रिलैक्स करना, तो उसके लिए हमें बड़ी जबरदस्त ये जगह मिल गई थी और ये मेरी जिंदगी का आज का सबसे बड़ा स्वीट है जिसके अंदर मैं कभी रुका हूँ, मैं अपग्रेड मिला। बट ये मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे बैठ के हमने आराम से मूवीज देखी हैं। और अच्छी बात ये भी हो गई कि मैंने लास्ट मंथ आप लोगों को बताया था कि सरदार जी की खास रिकमेंडेशन पे मैंने फ्लीक ऐप डाउनलोड की थी, जिसके ऊपर आके मैंने अपनी सारी स्ट्रीमिंग ऐप, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार हो या
अमेजोन प्राइम हो, रिन्यू करा ली थी क्योंकि फ्लिक पर डिस्काउंट बहुत बढ़िया मिल जाता है, इसलिए पूरे पैसे किस लिए भरने। और अगर फ्लिक के बारे में आपको अभी तक नहीं पता तो ये एक सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस एंड मैनेजमेंट ऐप है जिसपे आप सारे सब्सक्रिप्शन पे अप टू 40% जैसे एक्साइटिंग डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। फ्लिक पर डील्स, डिस्काउंट और सब्सक्रिप्शन बंडल्स के तो क्या ही कहने। मैंने अभी फ्लिक कॉइन्स यूज करके अपनी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराई तो सीधा 27% डिस्काउंट तो वही मिल गया, क्योंकि सैंड्रा को बधाई होगी तो दिखानी थी ना। और फ्लिक के बंडल्स परचेज करो तो ऐसा लगता है कि दो के प्राइस में चार खरीद लियो, क्योंकि डिज्नी और सोनी लिव तो फिर क्योंकि मैच देखने थे लेने ही था वो लिया, तो ऐसा लगा कि ऑल्ट बालाजी और अमेजोन प्राइम तो फ्री में ही मिल गया। तो अब जी फिर फुल प्राइस किस लिए पे करना, डिस्काउंट्स का फायदा उठाइए। फ्लिक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कीजिए और हमारे पहले 1000 डाउनलोड करने वाले सब्सक्राइबर्स को 200 rupees वर्थ ऑफ फ्री फ्लिक कॉइन्स मिल जाएंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन पर डायरेक्ट डिस्काउंट। तो है ना जी, फायदे का सौदा, देर क्या करनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए एंड हैशटैग स्टे ऑन फ्लिक। इन्होंने जी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी 94 में, जब ये किसी पहली मूवी में आए थे, एंड दैट वाज बैंडेड क्वीन, और उसके अंदर इनका नेगेटिव सा रोल था। और वो मूवी है जो मैंने बहुत छोटे वक्त देखी थी और वहाँ से मेरे को पहली बार चुल वर्ड मैंने सुना था कि चूल क्या होती है। और उस टाइम वो इतने डिफरेंट दिखते थे कि मेरे को आज जब मैंने अब इनकी रिसेंट मूवीज देखी हैं तो मुझे नहीं पता कि ये भैया वही बंदा है। और इन्होंने कई सारी मूवीज में सपोर्टिंग रोल किए हैं, जैसे कि दिल से, ब्लैक फ्राइडे, मगर जब से नीना गुप्ता जी के साथ, आयुष्मान खुराना के साथ इनकी जो बधाई हो मूवी आई है, तब से तो ही इज लाइक अ हाउस होल्ड फेस, एंड तब से उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली है, लॉट ऑफ पीपल नो। एंड बाकी तो कहानी इनकी, हम जाके उनसे खुद ही बात करते हैं। जब पहली बार मैंने सुना कि ही वॉज ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था जिसमें ये बता रहे थे कि ये मेरी वीडियोज़ देखते हैं और उनको मेरी स्टोरी बड़ी पसंद आई थी, तो तब मुझे पता लगा कि आई हैव समवन हु इज अप्रिशिएटिंग मी इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑल्सो। बिसाइड्स ये वो एक्टर हैं जो पहले थिएटर करते हैं, थिएटर जिनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त पकी हुई होती है, तो उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी हैप्पी, और जाके फादर फिगर की तरह ही है जी, जिन्होंने भी बधाई है मूवी देखी है उनको पता होगा, तो उनसे अब गपशप मारते हैं। और एक्टिंग मेरा थोड़ा सा टेस्ट करने का बड़ा अपनी मूड है, क्योंकि मैंने लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में वजूहत कुछ ऐसी रही हैं कि कई लंबे टाइम तक मैं एक्टिंग करता रहा हूं, बट देखते हैं। ये तो जी मैं पहुंचा हूँ तो ऐसा लग रहा है किसी फिल्म कंपनी का ऑफिस है बाहर, तो बड़ा हार्डवेयर वगैरह पड़ा हुआ। मैंने लेसी की हार्ड ड्राइव्स देखी हैं, मैक की सिस्टम वगैरह, एवरीथिंग, बुक्स, कैसेट्स, सीडीज, इसके अंदर मेरे को लग रहा है ट्राईपॉड और बाकी तरह का सेटअप है। नमस्कार सर। ये तो सर करना ही है, कैमरा फाइन आपसे तो ठीक है। क्या नमस्कार मैम, वेरी नाइस टू मीट यू गाइस फाइनली। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक फॉर यू बट कुडंट फाइंड एग्जैक्टली, सो व्हाट वी फाउंड समथिंग नाइस लाइक। एंड मैंने आपके लिए एक बड़ी स्पेशल चीज एक और ऑर्डर कर दी है, क्योंकि आपने, मुझे याद है जब मैं कश्मीर गया हुआ था तो आप पूछ रहे थे जो सुहेल भाई के यहाँ कारपेट्स और पश्मीना के लिए, तो मैंने आपके लिए एक पश्मीना की शॉल प्रॉपर जो है वो मंगवा दी, वो आपके यहीं आ जाएगी एड्रेस पे। Because I didn't know the address, why couldn't? Thank you. इतना सारा खर्चा क्यों करता है सर? खर्चे की बात ही नहीं है सर, पहली बार मिल रहे हैं। थैंक यू, एंड सैंड्रा, सो अमेजिंग टू सी यू। I mean, it's for me, it's amazing to see you. I was telling him on the way, like, it's my first time ever meeting an actor in real life. It's my first time ever myself also meeting an actor. मैंने इससे पहले बस, मैं बॉम्बे जब फिफ्थ क्लास में था फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरे को शाहरुख खान जी दिखे थे कोयला मूवी की, उनकी शूटिंग हो रही थी, तो बस मैंने ऑटोग्राफ लिया था। बातचीत मेरी आज पहली बार किसी एक्टर से एक्चुअली हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सर, बहुत बड़ी बात है। His blogging and then you joined and I, me and Sanjana, we both
follow you guys. Thank you. And he's been a big fan of you for a while. Yes, and I'm recently showed me some of your movie. We watched one, a really funny one. Yeah, badhaiyo. Yeah. Yes. English wo subtitles mil jate. Right. Okay. First time. Sandra, you must see this and see, check if you like this one. Because I saw you checking out some silver, German silver, right. In Srinagar. Yeah. So I selected something for you. Arre wah. सर आप मेरे को खर्चा मना कर रहे थे सो तो ये तो बहू हो गई ना हां बहू तो है ये तो है ये हमारी बहू है हां जी फॉर श्योर ओह माय गॉड वाओ ब्यूटीफुल लुक एट दिस This is so pretty. I don't have any good looking dress enough to wear that with. फिर खर्चा खाली आपका नहीं हुआ. Fort. This is basically from Mehrangarh fort. This is bandhani bandage handmade thing. Wow. I love the color. Very very Rajasthani, I would say. सर वैसे तो अब देखो बड़े बड़े एक्टर हैं आयुष्मान खुराना जी तो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई यू एक्टेड एज इन द फादर्स रोल अब मेरे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता अब आपके पास आया हूँ अगर थोड़ा बहुत कुछ बिना एक्टिंग सीखे चला गया तो पर्पस डिफीट हो जाएगा और फिर फायदा गया बट मेरे को आप थोड़ी सी अगर कोई एक दो लाइन अगर हम इमेजिन करके अगर आप मेरे को कोई स्क्रिप्ट दो या कुछ तो मैं ट्राई मार के देखना चाहता हूँ और हम सब्सक्राइबर्स के लिए छोड़ देंगे कि कमेंट करके बताएं कि अच्छे एक्टिंग करिए कि नहीं करिए क्योंकि आप तो थोड़ी सी अगर आप कोई एक सिनेरियो प्लान कर लेते हैं यहाँ तो मैम से पूछ लेते हैं मैम आप कोई सिनेरियो फादर सन का कोई कंफ्लिक्टिंग सिनेरियो अगर आप बताएं जिसके ऊपर हम कोशिश करें कि दो चार लाइनों की एक्टिंग हो जाए जिसमें मेरा टेस्ट हो जाए नहीं पर टेस्ट की जरूरत नहीं आप जो करते हो वो बहुत ही अच्छा है मतलब क्योंकि जो मेरे ख्याल से चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो उसको जब ब्लॉगिंग करने के लिए बोला जाए और जो आप करते हैं और अभी मैं जिस तरह से देख रहा था आपको और सैंड्रा के बीच में जो जुगलबंदी हो रही थी कि आपने अपने कैमरा आपके हाथ में और कैसे से टर्न करके ऐसे टर्न किया और वहां से सैंड्रा ने ले लिया और तो वो कोई भी रियल टाइम है ना हाँ तो ये जो आप लोगों ने क्रैक किया है ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ब्लॉगिंग सिखाओ तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अच्छा लेकिन आप तो अच्छी एक्टिंग कर सकते हो मुझे लगता है कि आप बड़े फोटोजेनिक हैं आप और कॉन्फिडेंट हैं और मैडम के साथ दिन में चार पांच बार तो एक्टिंग करते ही होंगे आप करिए मेरी जिंदगी में कुछ तकलीफें भी इस सिनेरियो में कुछ ऐसे बन गए थे कि कुछ टाइम मेरे को एक्चुअली अपनी लाइफ में भी एक्टिंग करनी पड़ी मतलब ये दिखाने के लिए अंदर से बड़ा परेशान था बट कई लोगों के आगे नहीं पोर्ट्रे कर सकता तो आई हैड टू पुट अ हैप्पी फेस फॉर अ वेरी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ माय टाइम इन माय लाइफ तो थोड़ी एक्टिंग तो वहां से भी सीख ली थी बट फिर भी मैं ना स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोल सकता तो मेरे को ये काम आसान लगता है क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिस इज वेरी नेचुरल आई डोंट हैव टू कीप एनीथिंग इन माइंड और एक्सप्रेशन इन माइंड जो एक्सप्रेशन आएंगे मेरे नेचुरल होंगे मगर अगर मेरे को कोई चीज बोले कि आपने इस सिनेरियो में ऐसे बोलना है वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं वो मैं आपके साथ चेक करना है हाँ। तो या तो हम कोई एक मिनट लगा के कोई सिनेरियो प्लान कर लेते हैं हाँ प्लान कर लेते हैं ठीक है ओके हलवा थोड़ी है देखो सर आपके मैं ऑफिस में आया मुझे लगा ये एक्टर का नहीं ये फिल्म क्रिएटर का ऑफिस है क्योंकि मैंने बाहर हार्ड ड्राइव वो सारी देखी एवरीथिंग तो आप निकाल सकते हो मुझे पता है तो मुश्किल कि आप सिनेरियो में एकदम सोचो और स्क्रिप्ट भी लिखो उसके ऊपर अनुसार या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक कंजर्वेटिव फादर को आके टिपिकल इंडियन कंजर्वेटिव फादर को अच्छा हाँ तो एक्टिंग का तो मतलब ये होता है कि रोल रिवर्सल होता है अच्छा तो मैं बनता हूँ बेटा है और आप बनोगे फादर तो मैं आया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि पापा मुझे फैमिली का बिजनेस नहीं संभालना है मुझे कनाडा जाना है अरे सर मैं आपको कैसे बात करूँगा वही तो एक्टिंग है तू और मेरा आपको कैसे करूँगा अरे वही तो एक्टिंग होती है और उसके अंदर कि मुझे कनाडा जाना है और तुम बोलना कि भाई मैं ये सारा ये बिजनेस मैंने जो संभाला है बनाया किसके लिए बनाया और नहीं मेरा सपना अब ट्रैवल ब्लॉगिंग है अच्छा और है ना तो उसके अंदर तुम और मतलब तू यहाँ और अब यहाँ पे तो चल तू जाएगा तो तेरा रिश्ता है रिश्ता शादी करके जाएगा नहीं शादी भी नहीं कर सकता मुझे
तो मतलब तू देश भी छोड़ेगा और तू फिरंगियों के चक्कर में पड़ रहा ये ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो ऐसे खड़े होके घर पे चलो यहाँ पर मैं ये तुम रूठे हुए हो हाथ बांध के खड़े हो और मैं ऐसे दीवार पिक्चर की तरह ऐसे कि मैं ऐसे हाँ ये हाँ ऐसे ठीक है फिर आप शुरू ठीक है तो मैं आऊंगा पीछे से आऊंगा ठीक 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 बाबूजी आपने नाम तो बताया नहीं मैं किस नाम से मोहित अच्छा मोहित है ठीक बाबूजी बोलो मोहित बाबूजी मैंने मेरा वीजा लग गया है मैं डिसाइड कर लिया कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊँगा तुमने प्लान भी बना लिया वीजा भी लगवा लिया डिसाइड भी कर लिया और बाप को आज बता रहे बाबूजी मैंने मम्मी को बता दिया था आपको अब सुनते कहा मेरी बात आपसे बात करना तो मतलब हिम्मत ही नहीं हुई बाबूजी बस लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए बस अब जिस आशीर्वाद जो लेने आए हो हिम्मत नहीं हुई बताने का सर मैं नर्वस हो गया एक्चुअली आशीर्वाद लेने की हिम्मत कैसी हो रही है परमिशन लेनी और आशीर्वाद लेने की हिम्मत होगी तुम्हारी बाबूजी मैं आशीर्वाद लेने इजाजत लेने और आशीर्वाद लेने पहुंच गई बाहर जाओगे मस्सा तो तुमने पढ़ाई पूरी करी है रोटी कैसे खाओगे यहाँ मैं पूरी प्लानिंग करके बैठा हूँ तुम्हारी गुप्ता जी की लड़की से शादी कराने के लिए वहाँ हमारी बात हो गई है कि शादी पे खर्चा कितना होगा दहेज क्या होगा इतना बड़ा पूरे खानदान का कारोबार है संभालने के लिए हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुम्हारी ऊपर इतना टाइम इतना सब कुछ हमने इन्वेस्ट किया और तुम आगे कह रहे हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ और फैसला कर चुका हूँ भाऊ जी यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना आप एक बार शुरू होते हो तो फिर रुकते नहीं हो मतलब इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ रहा था करोगे क्या वहाँ जाके मैं मेरी एक दोस्त है वो और मैं मिलके ट्रैवल ब्लॉगिंग का काम करेंगे बहुत ही ये ब्लॉगिंग क्या होती है भाई मतलब हम लोग मैं और मेरी जो फ्रेंड बनी है वो हम लोग ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करते हुए लोगों के इंटरव्यू लेंगे और दुनिया देखेंगे और नई चीज़ें फ्रेंड भी बन गई है तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है ये कहाँ रहती है किसकी बेटी है क्या है ये फेसबुक पे मेरी फ्रेंड बनी थी मॉन्ट्रियल में रहती है कभी कनाडा की शक्ल नहीं देखी पहली बार देश छोड़ने लगे हो वीजा पहली बार आया है इंटरनेट पे गर्लफ्रेंड बना रखी है कि हमें तो पता ही नहीं हमें लग रहा है हमारा बेटा इंटरनेट पे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है कोविड के टाइम पे और तुमने यहाँ पे अपना अलग ही एजुकेशन खोल रखी है और चले हो बाहर घूमने के लिए बस भाजी आपको आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर मेरी ज़िंदगी है मतलब आप भी तो जब आए थे पेशावर से तो आप अपने भी तो अपने पैरों पर अपने आप खड़े हुए ना तो ठीक है फिर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो अपने पैरों पे खड़ा हो ना हमसे उम्मीद करना कि टिकट के कोई पैसे मिलेंगे ना तुम्हारा कोई गुजर बसर होगी हमारी तरफ से और जो जायदाद है हमारी आज से तुम्हें बेदखल करते हैं अब जिस तुमने मॉन्ट्रियल वाली को सेट किया है उसी को बोलो कि तुम्हारी टिकट भी उठाए तुम्हें घुमाए भी और उसके बाद अपना जो काम करना है देखो और अगर हमसे सीखा है कि हमने कुछ किया तो हम तो चार पैसा लेके आए थे और पूरी मेहनत करी है और उसके बाद आज तुम्हें बनाया है और ये नतीजा मिला है तो तुम भी करके देख लो बाबूजी वो तो ऑनलाइन सारा मैं ही देखता हूँ तो मैंने ऑनलाइन आधा मैंने ट्रांसफर कर लिया बहुत अच्छा देख रहा है क्या हाँ वो पैसे ट्रांसफर कर लिए मैंने आधा सर मेरा दिमाग ये था कि आगे डायलॉग क्या बोलना है तो अगर मेरे को पहले पता हो ना कि ये चीज बोलना तुम्हें वाइब बना बट डायलॉग साथ साथ और अच्छे बोले कि कोविड के अंदर ये किया वो किया हां वेरी गुड है लड़के बंदा मैं थैंक यू सो वेरी मच मींस अ लॉट थैंक यू बताओ वो समझी नहीं कि
लड़के में दम ऐसा वाला आप बताओ लड़के में दम ओके सो शी इज व्हाट ही इज सेइंग एज अ फीडबैक इज दैट दिस डूड हैज गॉट इट आई मीन आई कैन नॉट टेल बट यू बोथ लुक रियली into the action. Character. Yeah, acting, character. Yeah, yeah I was yeah. in character. I was yeah, acting yeah. the father. Maza aaya sir, bahut maza aaya. Thank you so very much sir. It's been such a pleasure. Mumbai local. The door is open. Yeah, what is so surprising about it? People jump in and out of it all the time. Yeah. I mean, I've seen it in movie, but it's the first time I see it in real. Yeah, you see, oh, train with open door for the first time. Yeah. Yeah. बाकी जी कल मैं अपनी बीवी को छोड़ के आ गया हूँ. वो पार्ट हम कभी शूट नहीं करते क्योंकि वो सैड रहता है कि जब हम अलग होते हैं. कोशिश यही होती है ज़्यादातर कैप्चर ना हो. तो ये थी जी वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस पहली बार किसी एक्टर के साथ एक्टिंग करने का. आगे भगवान ने कभी मौका दिया तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो एक बार फिर आजमाइश करेंगे. बाकी इस बार तो हम जल्दी जल्दी मिलते हैं, बातचीत बहुत ज़्यादा थी सर के साथ तो हम गप्पे ही मारते रह गए. मगर आगे कभी मीटिंग होगी तो मैं कोशिश करूँगा कोई छोटी सी स्किट उनके साथ जो है ना फनी वाली बना के लिख के शूट करी जाए तो बड़ा मज़ा आएगा उस चीज़ में. बिकॉज ही इज़ सच अ नाइस पर्सन टू बी अराउंड विद, वेरी गुड एनर्जी, उसी की बात अलग है. वीडियो बाकी जी ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.